सब्सक्राइब करें आईक्यू डेवलपर चैनल को और बेल को आइकॉन को दबाएं लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए। धन्यवाद दोस्तों, पिछले दिनों हम लोग ने यूट्यूब चैनल का पहला पड़ाव यानी 1000 सब्सक्राइबर के मार्क को पार कर लिया है। काफी जल्दी हम लोग ने यह अचीवमेंट किया। यह आप लोग का प्यार और आप लोग का सपोर्ट और सहयोग ही रहा है जिसकी वजह से हम लोग ये पार करने में सक्षम हो पाए हैं। आने वाले समय में हम लोग इस तरह के कई बड़े बड़े पड़ावों को भी पार करेंगे और इसके लिए आपका सहयोग और प्यार की आवश्यकता रहेगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सत्यम तिवारी और देख रहा है YouTube चैनल IQ डेवलपर। दोस्तों अगर हम आज के टॉपिक की बात करते हैं तो आज का टॉपिक शुरुआत होता है दिन रविवार से। द वायर एक ऑनलाइन वेबसाइट है जहां पर रोहिणी सिंह नाम की एक जर्नलिस्ट जो पहले इकोनॉमिक टाइम्स से जुड़ी हुई थी, उनका आर्टिकल लिखा द गोल्डन टच जय अमित शाह। दोस्तों एक कहावत है, नाम में क्या रखा है, लेकिन इस नाम में बहुत कुछ रखा हुआ है। जय अमित शाह, अमित शाह यानी कि बीजेपी के प्रेसिडेंट, पार्टी प्रेसिडेंट अमित शाह के इकलौते लड़के हैं और ये वही बीजेपी है जिसने भ्रष्टाचार को मुद्दा बना के सत्ता में आई और विपक्ष के पास एक बहुत अच्छा मुद्दा बनता है इस आर्टिकल की मदद से कि वो भाजपा को उसी मुद्दे में घेर पाए जिस मुद्दे से वो सत्ता में आई है, यानी भ्रष्टाचार के मुद्दे में। लेकिन हम आज जांच करने वाले हैं इस आर्टिकल में कितना दम है और कितनी शक्ति है इस आर्टिकल में और कितनी सच्चाई है इस आर्टिकल में। आइए देखते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें इस पूरे इंसिडेंट के बारे में तो ये शुरुआत होता है 2004 से। 2004 में जय अमित शाह यानी अमित शाह के पुत्र और जितेंद्र शाह जो उनके एक फैमिली फ्रेंड से और जो कमोडिटी बिजनेस में पहले से लगे हुए थे, उन्होंने एक कंपनी बनाई। कंपनी का नाम टेम्पल इंटरप्राइजेस। 2012-13 में 6230 रुपए का लॉस होता है। 2013-14 में 1724 रुपए का लॉस होता है। 2014-15 की बात करें तो 18758 रुपए का इस कंपनी को प्रॉफिट होता है। ये साल वही साल है जहां पर बीजेपी की सरकार गवर्नमेंट में आती। ये बात मैं नहीं कर रहा हूं, ये बात रोहिणी सिंह ने अपने इस आर्टिकल में हाईलाइट किया है। फिर समय आता है 2015-16 का। इस सेम समय में बीजेपी की सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट में है। 80.5 करोड़ का रेवेन्यू होता है, रेवेन्यू पार्ट होता है। इस पूरे मैटर को समझने के लिए आप एक टेबल को देख लें। इस टेबल को दीजिए देखिए और समझिए पूरा मैटर रोहिणी सिंह ने बताने की क्या कोशिश की है। टेबल देखिए, 2012 और 2013 में जो प्रॉफिट है वो है, जो प्रॉफिट नहीं है वो लॉस है, एक्चुअली माइनस में है वो, तो प्रॉफिट लॉस है वो 6230 रुपए का लॉस होता है। लेकिन यहां पर देखिए रोहिणी सिंह ने टर्नओवर नहीं बताया कंपनी का टर्नओवर कितना है। 2013-14 में 1724 रुपए का लॉस है, यहां पर भी टर्नओवर को गायब कर दिया गया। 2014-15 में 18728 रुपए का प्रॉफिट है यहां पर, यहां पर टर्नओवर को हाईलाइट किया गया 50000 रुपए का। समय 2015-16 का जब टर्नओवर 1600 गुना बढ़ जाता है और टर्नओवर होता है 18.50 करोड़ का। यहां पर एक हाईलाइट करने की चीज ये है कि यहां पर इन्होंने फिर से प्रॉफिट नहीं बताया कि कंपनी को प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। चलिए हम बताते हैं, हालांकि रोहिणी सिंह ने बताया ये अलग से बताया, इन्होंने अगले पैराग्राफ में बताया, यहां नहीं बताया, क्योंकि अगर यहां वो बताते तो उनकी जो सारे जो पूरा आर्टिकल उसकी हवा निकल जाती है, क्योंकि ये जो पूरा प्रॉफिट यहां पर आता है वो कंपनी को लॉस होता है 1.48 करोड़ रुपए का। जी हाँ, यहां पर 80.5 करोड़ रुपए का टर्नओवर होने के बावजूद भी कंपनी को लॉस होता है 1.48 करोड़ का। दूसरा, कंपनी का टर्नओवर अचानक इतना कैसे बढ़ गया, इसके बारे में आप आर्टिकल पढ़ेंगे। द पीयूष गोयल का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें और एक ओपी इंडिया का एक आर्टिकल है उसमें उन्होंने क्लियरली बताया कैसे बढ़ा। एक्चुअली जो फैमिली फ्रेंड थे जैसा के फैमिली फ्रेंड जो जितेंद्र शाह थे, उन्होंने वो कमोडिटी बिजनेस किया करते थे ऑलरेडी। ये 2015-16 में जैसा कमोडिटी बिजनेस में एंटर करते हैं पहली बार और वहां पर KIFS नाम के एक NBFC है और उस NBFC से इनको एक लोन मिलता है, 15 करोड़ का एक लोन मिलता है और उस लोन की वजह से इनका टर्नओवर इतना हाई होता है। क्योंकि कमोडिटी बिजनेस में आप छोटा सा भी ट्रांजेक्शन करेंगे तो वहां पर टर्नओवर बड़ा हो जाता है, लेकिन प्रॉफिट वहां पर कमोडिटी बिजनेस में कम होता है। ये लोग जो कमोडिटी बिजनेस करते हैं उनको ये बात पता होती है। अब ये जो लोन मिलता है
वो 15.78 करोड़ का, वो KIFS नाम की NBFC है उससे मिलता है, जिसके प्रमोटर राजेश खंडलवाला। राजेश खंडलवाला की जो लड़की है उनकी साथ भी होती है परिमल नाथवानी के लड़के से। परिमल नाथवानी कौन है? वो है राज्यसभा के MP और रिलायंस कंपनी के एग्जीक्यूटिव। ये बातें मैं नहीं बता रहा, ये बातें रोहिणी सिंह ने अपने आर्टिकल में बताई है। दूसरी बात उन्होंने बताई, जिस समय राजेश खंडलवाला की कंपनी KIFS लोन देती है 15.78 करोड़ का, उस समय उस कंपनी का जो रेवेन्यू था वो केवल 7 करोड़ रुपए था, तो उसको भी बताती है। हालांकि उन्होंने कहीं भी स्कैम या घोटाले शब्द का यूज नहीं किया है, लेकिन जो लैंग्वेज जो टर्म यूज है उसे साफ इंडिकेशन आती है कि राइटर कहना क्या चाहता है। इसका जवाब सिंपली आप समझिए, जो राजेश खंडलवाला है वो आज से नहीं, वो अमित शाह की फैमिली से बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं, जो बात पीयूष गोयल ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई। जबकि परिमल नाथवानी की जो के साथ इनके वैवाहिक संबंध होते हैं वो केवल महज 4 वर्ष पुराने हैं। दूसरा जो KIFS है, KIFS एक नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है। नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी मतलब कि वो कंपनी जो लोगों से डिपॉजिट नहीं ले सकती, जिसकी अर्निंग केवल लोन देके ही होती है। यानी अगर वो 100 रुपए का लोन देगी तो उसकी अर्निंग या तो 10 रुपए होगी या 20 रुपए होगी, डिपेंड करता है कि वो 10 रुपए इंटरेस्ट चार्ज कर रही है या 20 रुपए इंटरेस्ट चार्ज कर रही है। सिंपली इंडिया की जो सबसे बड़ी फाइनेंस कंपनी है वो बजाज फाइनेंस है। बजाज फाइनेंस का जो रेवेन्यू है वो है 9,977 करोड़ रुपीज 2017 में, और इनका जिन्होंने लोन दे रखा है वो अमाउंट है करीब इसका 6 गुना, यानी कि 57,683 करोड़ रुपीज। तो सिंपली आप समझ गए होंगे कि 7 करोड़ के रेवेन्यू वाली कंपनी ने 15 करोड़ रुपए का लोन कैसे दिया। एक इंसिडेंस का वो भी और भी जिक्र करते हैं, जय अमित शाह की एक और कंपनी है कुसुम फिन सर्विसेज। कुसुम फिन सर्विसेज को कालूपुर कोऑपरेटिव बैंक से 25 करोड़ रुपए का लोन मिलता है, ये बात रोहिणी सिंह ने अपने आर्टिकल में लिखी, जिसका क्लैरिफिकेशन उन्होंने जय अमित शाह से मांगा और उनके एडवोकेट से, जिसके बारे में क्लैरिफिकेशन देते हुए पीयूष गोयल ने और उन्होंने बताया कि एक्चुअली ये लोन नहीं है जिसकी आप बात कर रहे हैं 25 करोड़ रुपए, ये लोन नहीं है, ये लेटर ऑफ क्रेडिट है। यानी कि जो माल कुसुम फिन सर्विसेज ने मंगाया है वो बैंक के गोदाम में सुरक्षित रहेगा तब तक जब तक कि जय अमित शाह उस माल का पूरा पेमेंट इंटरेस्ट के साथ बैंक को नहीं कर देंगे, तब तक वो माल वो रिलीज नहीं कर सकते। तो ये एक लोन नहीं है, ये इसको कहा जाता है लेटर ऑफ क्रेडिट। तो जितने भी बिजनेस करने वाले हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, सबको पता होता है कि ये लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है। एक और इंसिडेंस का जिक्र करते हैं कि कुसुम फिन सर्विसेज को 2.1 मेगा पावर रिन्यूएबल एनर्जी के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, जो कि कुसुम फिन सर्विसेज इस सेक्टर में काम नहीं करती थी, वो ट्रेडिंग के सेक्टर में काम करती थी, तो कैसे उसको इसमें मिला और ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलता है, उसको 10.15 करोड़ रुपए का लोन भी इरेडा की तरफ से मिलता है। तो रोहिणी सिंह ने कहीं पर क्वेश्चन मार्क नहीं उठाया, लेकिन इन्होंने ये एक डाउट क्रिएट किया है पूरे आर्टिकल के माध्यम से कि यहां पर क्या है ये। तो इसके बारे में पीयूष गोयल ने और उनके जो जय अमित शाह थे उनके वकील ने इसको क्लियर किया कि ये जो इरेडा की तरफ से लोन मिला हुआ है वो 10.15 करोड़ का अकेले जय अमित शाह को नहीं मिला है, इरेडा ने 37,000 करोड़ रुपए का लोन ऑलरेडी वो डिस्ट्रीब्यूट कर चुकी है रिन्यूएबल एनर्जी के लिए। दूसरी बात है कि उन्होंने अपने आर्टिकल में लिखा है कि हमने इरेडा को लिखा है कि लोन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपके क्या टर्म्स एंड कंडीशन है। शायद रोहिणी सिंह के पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं रहा होगा, वरना वो इरेडा के साइट पे चले जाते हैं और वहां जाके वो आराम से देख सकती थी कि टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, जो ओपनली दे रखा है कि कोई भी वहां पर इरेडा के लोन के लिए अप्लाई कर सकता, और 37,000 करोड़ रुपए इरेडा ने वहां पर डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। इस पूरे आर्टिकल का मोटिव क्या है वो समझ में आता है व्यूअर्स को भी, पढ़ने वालों को भी, और जिन्होंने जवाब पढ़े उनको भी समझ में आता है। फिलहाल जय अमित शाह ने 100 करोड़ का क्रिमिनल और सिविल डिफेमेशन कोर्स रोहिणी सिंह और दिवायर के नाम से कर दिया है।